टाइम हो रहा है जी सुबह के 5:05, और मैं उठाऊँ जी सुबह सुबह, अब पढ़ने जाना है नमाज। नमाज का भी टाइम हो चुका है, 5 मिनट रहते हैं, 5:10 पे जमात खड़ी होती है ना, तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। ये ले ली हमने टोपी और थोड़ी सी लगा ली परफ्यूम, वजू मैंने यहाँ रेडी कर लिया, तो चलते हैं जाके पढ़ते हैं नमाज। माशाल्लाह चांद नजर आ रहा होगा आपको, ये देख सुबह सुबह अभी अंधेरा है, गलियों में भी कोई बंदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं हूँ हसीब बाबर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी तक जो सूरज है वो नहीं निकला, ये बादल हैं माशाल्लाह, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं बादल सुबह सुबह। अभी सूरज निकलेगा इधर से, तो मैं जा रहा हूँ जी डेरे, उधर आज थोड़ा सा काम भी है, ट्रैक्टर से हल चलाने हैं और ज़मीन को तैयार करना है फसल के लिए। तो ये लगा है जी जामुनों का पेड़ लगा हुआ है दरख्त, इस पे गर्मियों में जामुन लगते हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, और ताया जी क्या हाल चाल है, ठीक है। ये सुबह सुबह ऐसे घास पे चलना चाहिए, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इससे पैर शबनम लगता है, शबनम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज कितना प्यारा लग रहा है, चेक करें। ये मैं लो ब्राइटनेस करके दिखा रहा हूँ आपको, माशाल्लाह। और ये है जी हमारा डेरा, और ये ऊपर चढ़ी हुई है गिलहरी, गिलहरी जिसको बोलते हैं हम, या आपकी या आप इनकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ये देखें। इसके ऊपर चढ़ी हुई है, सुबह सुबह पानी पी रहे हैं ये, अभी इनको छोड़ा है ना इसलिए। 10,900 रुपये में 100 चूज़ा मिला है हमें, ये देखें आप। तो अभी इनको डाल दिया जी वंडा, और अब इनकी चुवाई का टाइम है, इनको चुएंगे अब। वालेकुम अस्सलाम, भाई पास सीख ली, थोड़ा सा।
सब कुछ आ जाता है। अच्छा नहीं यार, मैं सजा दूर सारा बिच आ अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमने धो लिया, तो अब इसको डालेंगे बर्तन में। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमने धो लिया और बर्तन में भी डाल लिया। ले डालेंगे रेडिएटर में पानी, ट्रैक्टर के रेडिएटर में। तो अब ट्रैक्टर को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे डीजल, तो डीजल डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब डाला जा रहा है जी डीजल। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीजल डल गया, अब इसका जो ढक्कन है वो मेरे लिए। ये मिल गया जी ढक्कन। तो अब डालेंगे हम हलें, ट्रैक्टर के पीछे लगाएंगे। तो ये वो छोटियाँ जो लिंक हैं इनको हमने डाल लिया, अब इसको डालना। अब हम जा रहे हैं जी खेत की तरफ, और अब जा रहे हैं मैं से बैठा हूँ। और हम ना बरसीन के लिए जो फसल है वो तैयार करनी है, ज़मीन बरसीन की फसल के लिए तैयार करनी है ज़मीन। आज से 25 दिनों बाद बरसीन लगाया जाएगा। आज हम पहले पहली तैयार करेंगे और फिर बरसीन। ये आ रहे हैं, इनको पहले रास्ता देना पड़ेगा, ये गुजर जाएं तो फिर हम ट्रैक्टर गुजारेंगे। ये गुजर गए और ये आ रहा है जी पूरा है। और भी बुरा भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो माशाल्लाह मौसम, और वो है जी सूरज।
और इधर से हम जाएंगे खेत की तरफ। तो इधर आगे ये गुजरना बड़ा मुश्किल है, फिर भी लगी है साथ। ठीक है कोई नहीं, जान दो। तो मैं नीचे हो गया हूँ कि लग ना जाए मुझे, तो इधर से हम गुजरना, तो इधर से भी हम गुजर। तो ये वो जगह आ गया है जिस दिन हमने खाद दी थी ड्रम में डाल के, ये वो जगह है। और उस दिन हमने इस खेत को पानी लगाया था, ये और ये वाले खेत को पानी लगाया था। तो ये थी फसल, गाचे की फसल थी। तो जब गाचा हमने बीजा है ना, गाचे की फसल लगाई है जब तो उसी दिन बारिश पड़ गई है, तो बारिश की वजह से गाचा जो है वो नहीं हुआ। तो ये फसल अब जड़ी बूटियों से भर गई है, ये देखें आप, मैं दिखाता हूँ आप। तो ये देखें ये जड़ी बूटियाँ, वो जो गाचे की फसल थी वो गाचा तो नहीं हुआ, पर ये जड़ी बूटियाँ सारी हो चुकी हैं। तो अब इसको दोबारा हल चला के फसल को तैयार किया जाएगा। इस बार हम लगाएंगे इधर बरसीन, जिसको पंजाबी में शटाला बोलते हैं, वो लगाएंगे। जान क्योंकि आज से 15-20 दिन बाद शटाले की फसलें लगनी शुरू हो जाएंगी। ये जो पीछे आप भाई देख रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में बरसीन की फसल तैयार कर रहा है। तो हम भी तैयार करेंगे आज से 10-12 दिन बाद, इधर बरसीन बीजेंगे आप, और फिर इसको जो बरसीन का बीज है वो देंगे, और फिर हमारी फसल उगेगी इंशाल्लाह। तो अबू जान कह रहे हैं तुम भी आओ, तुम भी चलाओ ट्रैक्टर, तो हम मैं भी चलाता हूँ जाके, देखते हैं। खेत में ट्रैक्टर चला चला के ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। ये देखे कितना पसीना आया हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, वो लगा हुआ है बोर्ड के नीचे, लगा हुआ एक नलका, उधर से पानी पीने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पानी वाली को बोतल वगैरह तो साथ है नहीं थी। तो ये देखे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तो अब मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ये देखें सर के ऊपर सूरज है,
अल्हम्दुलिल्लाह फसल हो चुकी है बिल्कुल तैयार, और अब जाना है वापस डेरे, और डेरे के करीब एक फसल है उसको भी हल चलाने, और इसके बाद उसको चलाएंगे हल जाके। तो पीछे बुजान आ रहे होंगे ट्रैक्टर लेके, तो चलते हैं अब डेरे की तरफ। हम लोग, मैं और अबू गए थे तो फसल हो गई अब तैयार, तो अब आ गए हैं वापस डेरे, और डेरे आके मैंने लगाया हुआ पंखा, मुझे लग रही थी गर्मी तो मैं पंखा लगा के बैठा हुआ। तो ये मैं लेके आया था आलू दुकान से, आज आलू का छोरा करना। तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ दी एंड, तो मिलते हैं जी फिर न्यू व्लॉग और नई वीडियो नए लोगों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल HSB को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना रखिएगा ख्याल।